शांति। सभी कोई नहीं मिस करे। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। डायमंड हॉल में बैठे हो और एक एक बाबा का बच्चा बाबा को नैनो में बिठा कर बे, यानी ऐसे में बच्ची नहीं कहती हूँ, हर एक आत्मा बाबा को नैनो में बिठा के यहाँ बैठे है। हर एक अपने नैन को देखे, ये नैन सारे शरीर यहाँ है, मुख यहाँ बोल रहा है, पर ये दोनों नैन अच्छा काम करते हैं। बाबा ने गोद बिठा के, गले लगा के, शादा बहन तेरा क्या हाल है, गोद बिठा के, गले लगा के और पलकों में बिठा दिया। हमको क्या ठिकान ठिकाना मिला है बाबा के पलकों में। अच्छा सच देख रहे हो, इस पलकों में कौन है? कोई देहधारी नहीं है, अपनी देह ही खलास। ये जो आत्मा को अपना देह है ना, शरीर है ना, उसके भान से परे कर दिया। शरीर के भान से अभी इतने सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, क्यों हम क्या कर रहे हो? हर एक बाबा का बच्चा, मैं बच्ची नहीं कह रही हूं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। पर भक्ति में कहते कोई न जाने तुम्हारा अंत, पर हम जाने तेरा अंत। रचता और रचना का ज्ञान, अभी रचना को देख, ऐसी सुंदर रचना डायमंड हॉल में जो बैठे हैं, नशा चरा हुआ है ना, बोलो जिसको नशा चरा हुआ है हाथ उठा। हाँ क्या नशा है, हम कहाँ बैठे हैं? सारे विश्व में ऐसा स्थान कहीं नहीं है, कहाँ भी सारा विश्व में चक्कर लगाओ भाई, सारे विश्व में ये शब्द जाएगा। आज जयंती मैन का ईमेल इतना वंडरफुल है, कितने शहरों में गए हैं। आज दुबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, क्यों वहाँ फ्राइडे को करते हैं, संडे को नहीं करते? कहाँ कहाँ फ्राइडे, यहाँ संडे। पर तो हमारे लिए दिन रात, सुबह शाम, भले नियम जो बना के दिए हैं, उस टाइम तो एक्यूरेट रहना ही है, परंतु बाकी सारा दिन क्या करते हैं, क्या करते हो सारा? यहाँ बैठे कोई चिंतन नहीं, कोई बात नहीं, बाबा की दृष्टि मिल रही है, नजर से निहाल करने वाला स्वामी की ता सदगुरु कभी भी बेहाल नहीं होते हैं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है,
भाग्यवान है जो दिमाग में दिल में दिल में अच्छी भी दिल नाजिक है परंतु ममा का मास है। ममा सबके सामने या बाबा ममा दोनों हैं नहीं बस सिर्फ बाबा है। ममा का भी रख दो क्योंकि ममा का मास है। हमारे मैं मम्मा की बात सुनाऊं। मैंने मम्मा को बचपन से देखा था। एक छोटी सी कुमारी पर सब कुमारियां जो और थी ना उनसे एक न्यारी थी फैशनेबल थी बोल चाल बड़ा नशे वाला था। इंजन स्कूल जो हम लोगों को साधारण स्कूल था बहुत अच्छा था पर वो उसमें नहीं पढ़ते थे इंग्लिश में पढ़ती थी। ड्रेस ये और थी पता नहीं पड़ता था ये सिंध की है। बड़ी परंतु जब बाबा की बन गई उसके बीच में थोड़ा टाइम मेरा और पार्ट हो गया। जब मैं बाबा के पास आई तो हर एक ने बोला मम्मा से मिली। मैं मम्मा किसको कहते हैं? मैंने समझा मम्मा ब्रजेंद्रा को कहते होंगे। ब्रजेंद्रा बाबा की बहू थी। पहले जब बाबा की बहू थी तो इतने हीरे जवाहर इतना फैशन तभी पहले पहले कार आजकल तो कार कितनी है। उन दिनों में बाबा के घर में सिर्फ कार थी। पर हमारे लोग बाप ने भी समझा मैं भी कार रखूं। शाम को जाते थे परंतु शुरू से लेकर के मैं ये थोड़ी सूक्ष्म बात सुनाती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं किया है। लोग की माँ को कहती थी शाम को हम नदी किनारा मशहूर था वहाँ का दिन में आटा बना के उसमें छोटी छोटी गोली में पहले तो राम 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 लिखो राम राम फिर राम वो काट के उसमें टुकड़ी डालो राम की तो शाम को नदी किनारे जाएंगे। सभी जो भी आते थे हमको देख करके बड़े शांति से बैठ के राम राम कहते थे वो गोली डालते थे मछलियों को खिलाने के लिए। मछलियों को खिलाने के लिए दिन में 2 घंटा गोलियां बनाने में उसे जीवन सफल किए। इसलिए मम्मा ने देखा तो ये लोग कितना निर्विकारी निरहंकारी है। निरहंकार देखा नहीं है कभी मैंने। अहंकार बुरी बला है 5 विकारों में से। और आप सब ने बेचारे अहंकार को कहाँ रवाना कर दिया। अभी हम तुम्हारा मुंह देखने वाले नहीं है। जो हमको आपको देखे ये कौन है? निरंकारी है निर्विकारी है कैसे बने? ये नहीं कैसे निराकार परमात्मा ने बनाया
परंतु निराकार परमात्मा ने इस रथ को कैसे ढूंढ लिया जो मैंने आंखों देखा है। बाबा जवारी था, आज भी कोई आत्मा मेरे से मिलने आए, हम जवारी है जो जवाहरात का धंधा करते हैं, वो समझते हैं बस नशा चढ़ता है, बस हमको जो नशा है हीरे जैसा जन्म अमूल्य है, कौजों के पिछारी गमाना नहीं है। सभी ने ये पक्का किया, ये हीरे जैसा चमकता आज पता नहीं मुझे कोई तिलक लगाया, पर शाम को देखा अभी वो तिलक देखा जैसा एक छोटा हीरा था, ये तिलक लगा। अब मैं उतारा कहाँ रखूं, जो मैं कोई ऐसी आत्मा मेरे सामने आए उसको तिलक लगा। तिलक यहाँ क्यों देते हैं? निश्चय में विजय है, गारंटी है। किस पर विजय है? कोई भी कमी हमारे में न रह जाए। सभी माताएं बहनें ये संकल्प किया है ना, मैं कौन मेरा कौन, बोलो मैं कौन मेरा कौन, बोलो ना, मैं सूक्ष्म देह मानी स्थिति से मुख से न भी बोले पर देखें ये कौन है। तो मुझे ये भी नहीं पूछना अच्छा लगता है कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो। अब बैठे हैं डायमंड हॉल में, भूल गए हैं सब जहाँ से आए हैं। ये एक संगठन की शक्ति है जो याद में रहने की नेचुरल, और कोई याद आती नहीं है बात, उसके लिए ये मंत्र अच्छा है। कौन सा? बीती को चितो नहीं आगे की रखो ना आश। जो बीती बात, बीती सो बीती, कोई चिंतन नहीं और आगे के लिए कोई आश नहीं है। क्यों? ये सब रचना को देख, रचता मेरा साथी है, समझा? बाप भी है, माँ पहले माँ है फिर बाप भी है, फिर टीचर शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। फिर बाबा ने एक मुरली में कहा मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ। तो मुझे याद आता है पांडव भवन में हिस्ट्री हाल अभी बन रहा था, बना नहीं था, परंतु हंसया और बाबा की प्रेरणा चित्र बनाने की थी ना। आप मूल्या पढ़ते हो ना, सुनते हो ना, तो मूल्य में क्या है? चक्र का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान, कैसे कहाँ थे, ऊपर में थे, उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, अभी नीचे से सब ऐसे लिफ्ट में चढ़ना है, कैसे चढ़ूँ
अरे लिफ्ट सर बटन दबाओ, हमको तो बटन भी दबाने जरूरत नहीं है, लिफ्ट के आगे जाओ। भाई इसको बहरा इसको बोलो क्यों आई है ये बहन, ये देखो ना भाई, ओम शांति मुखी रवाना करो। तो मैं क्या बोल रही थी, हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए शब्द मुख से नहीं बोलना, क्या चाहिए। मैं अपने रूम में बैठती हूँ, साखी होकर के वहाँ से दिखाई पड़ता है कितनी माताएं बहनें आती है जाती है आती है, कोई वहाँ से दिखाई पड़ता है, परंतु बहुतों के हाथ में पर्स है। मैंने सारी लाइफ में पर्स नहीं उठाया, कोई थैली नहीं उठाई है। एक बारी सिर्फ 13 रुपया गुम किया हो गया, 3 रुपया रिक्शा के लेती थी, तो सीढ़ी उतर के जब जा रही थी कहाँ, तो 10 रुपया उसने दिया है, तो 13 रुपया हो गया। तो वो छोटे पर्स में भरा था, जहाँ भाषण करने कही थी, वो भी मम्मा की बहन पावती थी, उसने अपने महल्ले में जो गली है वहाँ के बहनों माताओं को इकट्ठा किया, मेरे से का थोड़ा ज्ञान इनको सुनाओ, मुझे भारत में चाहे विदेश में कोई भी कहेगा थोड़ा ज्ञान सुनाओ, तो क्या ज्ञान सुनाऊं, मैं कौन मेरा कौन। बहुत अच्छा लगता है, आत्मा हूं ना, शरीर में होते पता है हमारा नेविल भाई, उसका भी आज ईमेल आया था, याद कर रहा है, मैंने उसको भी अबाउट 20 साल हुआ होगा ज्ञान में आए, बड़ा भारी लेखक है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं ये बात क्यों सुनाती हूँ ये भी समझ जाओ, मुझे हमेशा अटेंशन है, जो बाबा ने कहा टेंशन नहीं रखो, सब ए है ना अटेंशन। तो मैं शरीर में हूँ तो भी बाबा के साथ हूँ, शरीर छोड़ू ना तो बाबा मुझे ले जाएगा, मैं नहीं अकेली जाएंगे, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। तो नेविल ने बुक लिखा बहुत अच्छा, उनकी जो वाइफ थी जब ये ज्ञान में आया तो वो घर से अलग हो गई, तुम अपना काम करो मैं अपनी दुनिया में रहेंगे। पर जब नेविल का बुक पढ़ा तो मेरे से इंटरव्यू लेने आई, फिर उसने और अच्छा लिखा, क्या लिखा, जीना है तो कैसे, मरना है तो कैसे, अच्छा बड़ा बुक है। तो मरने की भी पूछ के मरना ना, कोई बता के नहीं मरता है, कारने अकाने। आज मुझे खबर मिली
ईमेल में आया, हमारा एक रेनू भाई था पेरिस में, अच्छा भाई था, 20 दिन पहले भाषण किया था गीता पर, कल उसने शरीर छोड़ा। अच्छा तो क्या लिखूं, बहुत भाई ने अच्छी स्थिति बनाई थी, फ्रांस में होते हुए कई देशों में बेचारे हमारी भाषा नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, खाने को, उन सबको बहुत आत्माएं हैं। आज हमारे यहाँ डायमंड हॉल में मैं समझती हूँ भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, कोई कोना नहीं रहा होगा जो भारत से, कैसे आपने बुलाया, कैसे बुलाया, ये भी वंडर है कैसे बुलाया। दादी ये 20 वर्ष से 25 वर्ष की ज्ञान में चल रही है, इनों का सम्मान समारोह रखा हुआ है। क्या होता है सम्मान समारोह, क्या मेरा तो कभी नहीं किया है। दादी जनवरी में आपका 100 वर्ष का सम्मान समारोह किया था। नहीं बहन, इसलिए आपने प्यार से ये माताओं को जो निर्विघ्न बाबा की बन करके 20-25 सालों से चल रही हैं, तो बाबा इनों का सम्मान कर रहा है। इसमें नेपाल की भी 100 माताएं आई हुई हैं। नेपाल की भी, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हमारे से जब मिलते हैं देश देश पूछने का अच्छा नहीं लगता है। भले आए जी, मेरा हाथ कहाँ बैठे है, कहाँ पांडवों, आज मुझे पांडवों से लिखा है तुम आओ ना, पर यहाँ छोड़ के कैसे जाएंगे, ताली बजाओ ना। मुझे बोला तुम क्लास में चलेंगी आएंगी, जरूर ये दर्शन करके प्रसन्न हो गए। दर्शन है, दृश्य बड़ा सुंदर है, ये ड्रामा में नू दावा था, कराने वाले ने कराया है, और आप लोग इतना, मैं हम यहाँ बैठे आप सबको से मिलन मनाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं, नाचूं क्या करूं, मेरे को नाचना भी आता नहीं है। ये गीत ऐसे रवि बनाता है, बचाता है, जो पांव धरती पर टिकते नहीं है। दिल कहता है बाबा आपकी रचना इतनी सुंदर, तो मैं कितनी कैसी सुंदर हूँ ना, सुंदर हूँ ना, क्या श्रृंगार किया है, क्या श्रृंगार। मैं भी चाहती थी तो मैं यहाँ पूरे टाइम पर आऊँ, पर 5 मिनट लेट आई है, तो 5 मिनट भी पहले कई मिलने के लिए बैठे थे, बड़े अच्छे। मैं मुस्कुरा के टोली खिलाई और थोड़ा थोड़ा और भी कुछ देना है, ब्लेसिंग भी, ब्लेसिंग जो बना के भेजते हैं वंडरफुल है। कैसे एक्यूरेट शब्द होता है जो हर एक को दिल को लग जाते हैं।
अब क्या और बात करें, क्या बात है। भगवान कहता है क्यों दुनिया में भाषाएं नहीं कहे, आप लोग बताएं हम सिंधी है या कोई सिंधी बैठे है। मतलब बात का, बाबा ने सिंधी बोलना बंद करा दिया, आती अभी आती नहीं। कभी कभी कोई कहेगा सिंधी में बात करो। मैं कराची गई थी, बोला मैं मुझे आती नहीं है ना हिंदी। बाबा ने कहा अभी कितना साल हो गया, 80 साल हो गया, अब ने हिंदी नेचुरल हो गई है, ऐसी नेचुरल हो गई है। हम भी फॉरेन में कहाँ गई थी, अच्छा है ऐसा सब जगह गई हूँ, परंतु वहाँ कोई भाई था ऐसे से कर रहा था, मैं तो मेरे भाषा समझता है, कहा तेरे को समझता हूँ तेरे। ये छिपता नहीं है, चेहरा बताता है। इसलिए बाबा ने सिंधी बोलना छुरा दिया, कभी आता ही नहीं बोलने आया था, बचे हिंदी बोलो। पर जब बेंगलोर में सेवा शुरू हुई, बेंगलोर वाले हिंदी नहीं बात करते हैं, पर हम बाबा ने दो बहनें सिंधी में भेजी, वो हिंदी बोलने वाली, वहाँ बेंगलोर में भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या परिवार है, जो बाबा की भाषा है, जिस भाषा में बाबा महावा के उच्चारण कर, तो मुरली भी भले सिंधी भाषा में आती है हमको सिंधी पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, परंतु मुरली की भाषा हिंदी है। तो हिंदी क्यों, परंतु मैं कभी भी भारत में से बाहर जाएंगी या कहाँ भी, मुझे भारतवासी समझ के नमस्ते करेंगे। जहाँ भी विदेश में या देश में सभी हाथ जोड़ रहे, मैं क्या करती हूँ, हाथ दो बेटा, कितना अच्छा लगता है, हाँ कितना अच्छा लगता है बाबा। तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, इलाही माना अल्लाह के तरफ से, या इलाही माना इतना जो गिनती नहीं कर सकते, अतीन्द्रिय सुख है। तो भागवत में मैं लिखा अतीन्द्रिय सुख पूछो ना, गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियां, अभी गोप गोपी कम बोलते हैं, परंतु कहो गोप गोपी है पर को समझना बड़ा अच्छा है, यानी मुरली से जिसका प्यार है ना वो गोप गोपी है। मुरली में जो एक एक शब्द आता है ना, भाई उसको याद करूं या उस पर चलूं। मैं मनीला में थी, वहाँ फिर और बादशाह है फिलीपिन के, एक बहन थी, बड़ा अच्छा प्रेम था, वो बस बोलते थे तुम बोलो, मैं क्या मैं हिंदी का मैं समझेंगे, बहुत अच्छा। ये समझने वाली बातें सब नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा अच्छा चलना, मीठा रहना,
कभी भी मुख से रूखा शब्द भी नहीं निकला। एक होता है मीठा, दूसरा होता है कड़वा, तीसरा होता है रूखा। अभी रूखी रोटी कैसे खाएंगे? अच्छी सब्जी चाहिए। हमारे से भाई पूछता है रोज, क्या सब्जी बनाऊं, क्या बनाऊं बताओ। अच्छा, मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, ये बरस नहीं है। परंतु ब्रह्मा बाबा भोजन जब खाते थे, मैंने बाबा के साथ में टेबल पर अच्छा भोजन खाया। बाबा याद करके बुलाता था, अगर साथ में बैठ। एक दिन बाबा ने कहा, ग्राही बनाया, कहा पहले तेरे को खिलाऊं या मैं खाऊं? तो मैंने कहा, बाबा मैं आपको खिलाती हूँ, आप मुझे खिलाओ। बाबा को बैठे मैं खिलाऊं, वो भाग्य अभी भी अव्यक्त बाबा जब आता है तो मुझे भले बनाने वाले और है, ट्रे बनाने वाले मुनि बहन है, आगे पर खिलाने के लिए बाबा को, ये अच्छा भाग्य है। तो बाबा क्या करेगा, ऐसे खाएगा फिर मेरे को खिलाएगा। तो अभी भी क्या होता है, मुझे कहते मीठा नहीं खाओ, मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ, परंतु जब जब मैं खाऊं नहीं या खिलाऊं नहीं, अच्छा नहीं रहा। ये प्यार है ना परिवार के साथ है। एक मिठाई का भले चार पैसा करूँ, पीस करूँ, ऐसे खिलाओ। ये संगम युग की बहुत अच्छी अच्छी गई। 10 बजे, अच्छा 8 बजे 10 मिनट हुआ, अच्छा टाइम हो गया, तो समझा मेरी बात। तो खाना है तो भी ऐसे, खिलाना है ऐसे, कुछ भी है हम खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या ब्रह्मा भोजन के बिगर। यज्ञ में जो हम भोजन कभी नहीं खाया होगा, कुछ न खिलाया होगा। तो माताएं बहने, आप ये ध्यान रखना, न खिलाना है न खाना है, क्या खाना है क्या खिलाना है, इससे भी बहुत अच्छी सेवा में मदद है। अच्छा, थैंक यू, ओम शांति। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वह बाबा, वह बाबा, वह बाबा, Thank you.
लहरे आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है। मेरी रात जलते जलते, मेरी रात जलते जलते। चलते चलते चलते।